वहीं दुर्ग नगर निगम में सिंगल क्लिक भवन अनुज्ञा प्रणाली का हुआ शुभारंभ, मुख्यमंत्री ने किया वर्चुअल लोकार्पण। दुर्ग नगर निगम के डाटा सेंटर में सोमवार को वर्चुअल लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल रूप से उपस्थित होकर सिंगल क्लिक भवन अनुज्ञा प्रणाली का शुभारंभ किया, जिसके प्रारंभ होते ही निगम क्षेत्र में 500 वर्ग मीटर के आवासीय भवन हेतु महज ₹1 आवेदन शुल्क में अनुज्ञा प्राप्त की जा सकेगी। गौरतलब है कि भवन अनुज्ञा में नागरिकों को सुविधा देने और पूर्ण पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से इस नवीनतम ऑनलाइन भवन अनुज्ञा प्रणाली को लागू किया गया है। इसका शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया, जहां शुभारंभ अवसर पर शहर विधायक अरुण वोरा, निगम महापौर धीरज बाकलीवाल, आयुक्त हरेश मंडावी और निगम के समस्त अधिकारीगण कर्मचारीगण उपस्थित रहे। इस मौके पर शहर विधायक अरुण वोरा ने कहा कि सिंगल क्लिक अनुज्ञा प्रणाली के लागू होने से निगम में अनुज्ञा हेतु अनावश्यक भीड़ उपस्थित नहीं होगी और लोगों को आसानी से भवन अनुज्ञा प्राप्त हो सकेगी। इस संबंध में शहर विधायक ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बीते इन 3 वर्षों में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने सभी वर्गों का समान रूप से ध्यान रखा है। फलस्वरूप सभी वर्गों में सर्वहारा वर्ग में एक उत्साह की लहर इन 3 वर्षों में दिखाई दे रही है, जो 15 साल में विलुप्त हो गई थी। आज जो उन्होंने जिस कार्य का शुभारंभ किया है, उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। नगर पालिक निगम क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर के आवासीय भवनों में मानव हस्तक्षेप रहित भवन अनुज्ञा प्रणाली की आज उन्होंने पूरे प्रदेश में शुरुआत की, जिसकी सर्वत्र पूरे प्रदेश में प्रशंसा की जा रही है। इस प्रणाली के अंतर्गत समस्त दस्तावेज अपलोड करने पर ₹1 जमा कर तत्काल भवन अनुज्ञा प्राप्त कर सकेंगे। समय की इसमें बचत होगी। शासकीय कार्यालयों में जो अनावश्यक दौड़ लगानी पड़ती थी, भटकाव की स्थिति बनी रहती थी, वह भटकाव की स्थिति इस योजना के आने से समाप्त होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।